तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु रामदास जी की पवित्र नगरी अमृतसर से। और आज यहां पे आने का मकसद आपको पता चल गया होगा, आज हम कवर करने के लिए जा रहे हैं पंजाब की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हां दोस्तों, देश को पहली वंदे भारत मिली थी 2019 में फरवरी के महीने में। एंड किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई पंजाब को भी अपनी पर्सनल वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी, जिसको आज हम कवर करने के लिए आए हैं अमृतसर में। तो चलिए आज की जर्नी को शुरू करते हैं। हम अमृतसर से अंदर हमारी ट्रेन लगी हुई है एंड कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का, तो चलिए आज की यात्रा को शुरू करते हैं हम अमृतसर से भाई। तो ये है पंजाब की पहली वंदे भारत, देखिए अराइव कर रही है अभी। आज इसका फर्स्ट रन है, इनॉग्रेशन रन है भाई अमृतसर से। देखो ये आ रही है भाई। तो आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पे अमृतसर पे, और ये हमारे पीछे लगी है पंजाब की पहली वंदे भारत, जो कि आपको 5.5 घंटे में अमृतसर से दिल्ली पहुंचाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन शुक्रवार को छोड़ के हर दिन चलती है। चलने का टाइम इसका सुबह 8:20 पे निकलेगी। 447 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दोपहर को 1:50 पे आपको पुरानी दिल्ली पहुंचाएगी। और भाई सबसे फास्ट गाड़ी है इस रूट की ये। इसका इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं अभी। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इसके इंटीरियर में। ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, और यहाँ पे देखिए मीडिया इंटरव्यू ले रही है भाई, देखो सर का। बाकी ये आगे इसका स्पीडोमीटर। बाकी देखिए हमारे लोको पायलट भाई स्टार्ट कर रहे हैं अभी वंदे भारत को बढ़िया से, और कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होगी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। गिर गया। और भाई कैबिन में बंदे देखो भाई, एक से एक बंदा भाई यूट्यूबर यहाँ पे आ गया भाई, देखो सिर्फ सर का इंटरव्यू लेने के लिए। और जो हमारे लोको पायलट है ना, बहुत ही ज्यादा पोलाइट पर्सन है भाई। अमृतसर तो जो स्पेशल ट्रेन चलिया या कश्मीर ट्रेन चलिया ने, रिस्पेक्टेड एम के शर्मा सर। सर आप हमारे हिडन हीरो हो, ठीक है आपके। अबे चुप करो यार एक मिनट। ओए एक मिनट चुप करो यार। तेरा बक्सा भी यार फट बेगा। अरे चुप करो भाई। कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि फर्स्ट वंदे भारत चला रहे हो आप पंजाब की। जी बहुत अच्छी ट्रेन है, इससे पहले ऐसा सा बक्सा नहीं अलग तक आया बक्सा राणे नु। मैं क्या राणा जी मुंह तो सर फोन पे बिजी है थोड़े, अभी बताएंगे आपको भाई थोड़ा फोन पे। नहीं यार नहीं नहीं मैं चुप है मेरे। ओए चुप करो यार। सर वो पहली ट्रेन लगी है, इस तो पहला ट्रेन है सर। मैं काफी कश्मीर की पहली ट्रेन मैं चलाई है। हां जी हां जी, जम्मू तो गरीब रथ पहली ट्रेन मैं चलाई है। अच्छा गरीब रथ भी आपने चलाई है। जो अमृतसर से स्पेशल ट्रेन जितनी भी चलती इसको मैक्सिमम मैंने चलाया। सो सर कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको ट्रेन चलाने का? ऐसा रेल की नौकरी मेरी 34 साल हो गई है जी। तो भाई बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। पंजाब से ही हो ना? पंजाब से। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। बोले सोने हाल। सर हमारी गाड़ी को चलाएंगे तो इन्हीं से भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी हैं, एंड आपको कैसा लग रहा है सर पंजाब को पहली वंदे भारत मिली आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो क्या आप इसकी आप मुझे फुल स्पीड बता सकते हो कि कितनी स्पीड है इसकी फुल? यहाँ से जलंधर तक जो है वह 110। हाँ जलंधर से आगे 130। मैं कम धंधे सारे छड़ के ओ भाई ओ भाई देखो क्या नजारा है भाई। नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल है। सोने ये वंदे भारत का पूरा स्टाफ है ये देखिए, जो कि टिकट चेक कर रहे हैं ये सारे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के एग्जीक्यूटिव में, और इसी में आज हम सफर करने वाले हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू अवर पाजी गुरप्रीत पाजी। वेयर इज गुरप्रीत पाजी? अभी बिनो टिलू भाई अपने वो दिखाएंगे टैलेंट। चलो दिखाओ भाई, ये देखो भाई बंदे का टैलेंट। फर्स्ट आपसे जिनके पास पास नहीं है सर वो नहीं आ सकते है ना, जिनके पास पास नहीं है वो नहीं आ सकते। इन्होंने हमें भगा दिया भाई, हम एग्जीक्यूटिव में बैठे थे और इन्होंने हमें भगा दिया भाई, कहते कि पीछे भाग जाओ। ये देखिए भैया भैया
भैया आपको भगा दिया गया एग्जीक्यूटिव में, आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपको आ रहा वैसे मुझे। हाँ, ये गुरप्रीत को भी भगा दिया इन सबको, ये जितने भी चेहरे देख रहे हो। मुझे नहीं भगाया क्योंकि मेरी आईपीओ में आती है। हाँ, तो जितने भाई है सबको भगा दिया गया, अभी अगले कोच में जाएंगे। देखो भाई यूट्यूबर्स की इज्जत देखो भाई, धक्के खा के आगे भेजा जा रहा है भाई। देखो ये पकड़ ले कोच भाई, फोकट के इन्फ्लुएंसर देखो। हाँ जी, ये ट्रेन अमृतसर से दिल्ली को जा रही है। ये ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये जो संगीत चल रहा है ये कौन चला रहा है? ये संगीत अपनी बहनें आई हुई है, बहुत जोश से आई हुई है। हाँ, इनको और सहयोग दे। हेलो मैडम जी, कैसे हो? ठीक बा? तो भाई देखिए निकल चुकी है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस फाइनली अमृतसर से, और भाइयों ने काफी हंसाया भाई, दोनों भाइयों ने। अभी अपनी वंदे भारत चली है और हमें मिल चुका है भाई पानी। जल्दी हो, तेरी शादी हो, तेरे बच्चे हो। आपका नाम क्या है भैया? अंकित भाई है, दे दीजिए हमें पानी। साथ में मिला है बिस्किट और ये मिली है चाय। पैसेंजर्स को अभी स्नैक्स के बाद गुलाब दिया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा तो दोस्तों जो हमारी पंजाब की वंदे भारत है इसके 5 ही स्टॉप रहेंगे जब ये रेगुलर डेज में, मतलब कि कल से चलेगी, वो ब्यास, जलंधर, फगवाड़ा, लुधियाना और अम्बाला रहेंगे इसके स्टॉप। और देखिए हमें मिल चुका है अभी गर्म पानी, साथ में इसमें मिक्स करते हैं अभी पाउडर, टी पाउडर। इन्होंने बिस्किट भी दिए हैं साथ में, तो चलो दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले होल्ट पे जो अपना ब्यास। और ब्यास आपको पता ही है, ब्यास नदी के किनारे पे बसा हुआ एक सिटी है पंजाब का। और यहाँ पे देखिए किस तरह से वंदे भारत का स्वागत किया जा रहा है। देखिए ब्यास अमृतसर से लगभग 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे जो अपना ब्यास, BES इसका स्टेशन कोड है। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। एंड ये देखिए हमारी वंदे भारत से कितने लोग यहाँ पे
डिवोर्ड हुए हैं भाई, देखिए सारे के सारे ब्लॉगर्स नीचे आ चुके हैं। एंड अब पता नहीं यहाँ पे कितनी देर हमारी ट्रेन रुकेगी, क्योंकि आज इसका इनॉग्रल रन है। बाकी देखिए कुछ यात्री चढ़े हैं, कुछ यात्री उतरे हैं, ब्लॉगर हैं अलग अलग। और सर 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 आने वाला टाइम सोशल मीडिया का, क्या बात है, क्या बात है, सोशल मीडिया राज करेगी। सर ऑटोमेटिक दरवाजे बंद है ना, कि YouTube की जो फौज है इतनी हो चुकी है, देखिए हाहाकार मचाई हुई है, YouTube ने पूरी हड़कंप मचाई हुई है, जितने भी ब्लॉगर्स है यहाँ पे। आ देख लो भाई ब्यास से निकलती हुई अपनी ट्रेन, देखिए नन्ना मुन्ना राही बच्चा, क्या नाम है बेटा? कृष्णा। कहाँ जा रहे हो? जलंधर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार बैठे हो? कितनी स्पीड है इस गाड़ी की? इसकी नहीं पता, नहीं पता। 180 180 180। ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो बच्चा क्या कर रहा है। तो अभी अपनी ट्रेन पार कर रही है भाई, ब्यास नदी को देखिए, ब्यास दरिया काफी ज्यादा भरा हुआ है, लेकिन आज भाई फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा भाई आर पार। देखिए ये अपना ब्यास दरिया जो कि हिमाचल से आता है भाई, देखिए सफर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये महर्षि व्यास जी यहाँ पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है, ये वो धरती है, धरती अपने मिले। शुक्ला जी पहचान कौन? हाँ? पहचान कौन अपनी? मेरी पहचान आपकी, कौन? आपकी मेरी, मुझे पहचान छोड़ो, उसको लिफाफे में डालो अपनी पहचान। हम ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक करो, हम ब्लॉक कर देंगे पहचान वहचान कुछ नहीं। पहचान पाल देता हूँ, इतने आप पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े समोसे की तरह हंसते भी हैं जब फाड़ दिया जाए, मतलब दांत फाड़ के भी हंसते हैं। अच्छा ये बताओ आपका दिल कभी टूटा? नहीं कभी नहीं टूटा। आपका टूटा सर? दिल टूटता ही नहीं है। यस कोट, दिल में हड्डी नहीं होती, टूट ही नहीं सकता दिल में हड्डियां ही नहीं होती, तो दिल शायद दुनिया का कैसे टूटता है ये बताइएगा मुझे आप। नहीं टूटता, नहीं फालतू के चोंच रहे हैं, दिल टूट गया, बिल्कुल सही बात। तो फिर गाना क्यों बनाया, दिल हो जाए शीशा टूट जाता है। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए, और जो इसको मतलब लाइन दी गई है वो लूप लाइन से इसको पास कराया जा रहा है, मुझे लगता है मेन लाइन लूप लाइन है सर। लूप लाइन तो बीच वाली होती है, बिल्कुल इसमें कोई प्लेटफॉर्म ना हो, वो मेन लाइन होती है सर, ये लूप लाइन होती है, प्लेटफॉर्म वाली जो भी लाइन होती है ना ये लूप लाइन होती है। रेलवे की दोस्तों देखिए अभी अपनी टर्न अप्रोच कर रहे हैं अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट को, जो अपना जलंधर कैंट, देखिए जलंधर कैंट पे हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट लेवल क्राउड है यार, देखिए जलंधर कैंट। तो दोस्तों अमृतसर से लगभग 83 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ने कवर कर लिया, और पहुंच चुके अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना जलंधर कैंट जंक्शन JRCC का स्टेशन कोड है, और यहाँ पे स्टेशन का 2 मिनट का होल्ट है। और देखिए राइट टाइम पे, आज कोई राइट टाइम नहीं है इसका भाई, क्योंकि आज इसका इनॉग्रल रन है। और पीछे देखिए भाई क्राउड जलंधर कैंट पे, और जलंधर कैंट, जलंधर आपको पता ही जाना जाता है स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पोर्ट्स को। दोस्तों एक अच्छे खासे बहुत बड़े स्वागत के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है भाई जलंधर कैंट से, देखिए जलंधर कैंट से डिपार्चर, और क्या भाई उद्घाटन हुआ यहाँ पे, देखो ट्रेन का ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। देखिए यहाँ पे ये मिल चुका है हमें दोपहर का लंच, और टाइम देख लो आप लगभग 1:37 हो चुके। तो चलिए अभी टेस्ट कर लेते हैं हमारा खाना। तो खाने में हमें मिला है ये पनीर है भाई, एंड ये मिक्स वेज है जिसमें भी पनीर है, एंड ये दाल आएगी, दाल फ्राई आ गई हमारी, एंड ये 2 गुलाब जामुन दिए हैं भाई इन्होंने। ये आ गया हमारा पनीर, अभी पनीर ट्राई कर लेते हैं। देखिए भाई भाई पहला दिन है इनॉग्रेशन में, मज़ा आ गया भाई, पनीर एकदम ताज़ा और बेस्ट क्वालिटी का भाई। एंड ये मिक्स वेज आ गया हमारा, मिक्स वेज भी अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा हो गया भाई। एंड ये दाल फ्राई आ गई, दाल फ्राई भी ठीक ठाक है। एंड ये आ गया हमारा गुलाब जामुन, देखिए गुलाब जामुन भी अच्छा है, चावल तो दिए
साथ में एक दो तीन चार पराठे दिए हैं भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है यार। तो पराठे देखते हैं कैसे हैं, ताज़े हैं या कैसे हैं। तो ये आ गया हमारा पनीर एंड ये पराठे, सुपर है भाई सुपर। निकल रही है भाई अपनी ट्रेन फगवाड़ा से, जो कि इसका तीसरा ऑफिशियल हाल्ट है, जिसको मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैं खा रहा था खाना भाई। तो भाई अभी अपनी ट्रेन पहुंची है गुराया में, और जो इसका नेक्स्ट हॉल्ट है वो लुधियाना है। तो चलिए बच्चों से रिव्यू लेते हैं भाई, बच्चे चढ़े हैं देखिए छोटे छोटे यहाँ पे, तो देखिए ये सारे बच्चे चढ़े हुए हैं। एंड कैसा लग रहा है आपको पंजाब में? नहीं नहीं मजाक नहीं, मजाक नहीं, ठीक है। तो पंजाब में पहली वंदे भारत चली है, ठीक है। तो ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है, बट इस रूट पे अभी फास्टेस्ट नहीं है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम तरनजीत कौर। आपका? मेरा नाम गुंजोत कौर। हाँ, तो ये चढ़े हैं जलंधर से, आई एम राइट। तो कैसा लग रहा है आपको? एंड लग रहा है, हमें तो मजा आ रहा है। ठीक है, वो तो सभी को पता है मजा आ रहा है। खाना कैसा है? इन्होंने एक ही वर्ड सीखे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी ये अपने भाई हैं, कैसा लग रहा है भाई आपको? भाजी कितना लग रहा है? चलो अभी आपको वॉशरूम रिव्यू करके बताते हैं हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो इसमें आपको वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल दोनों वॉशरूम मिल जाएंगे। तो मेन चीज आपको बता देते हैं, जैसे आप यहाँ से आपको दिख जाएगा वॉशरूम अगेंस्ट है या वेकेंट है, ठीक है। तो अगर ग्रीन होगा तो वॉशरूम, ठीक है, वेकेंट है। तो अभी चलते हैं वॉश, एंड ये हमारा वॉशरूम वेकेंट है, ठीक है। तो इसमें फैसिलिटीज आपको बताते हैं, रिव्यू करके बताते हैं कैसा वॉशरूम है, ठीक है। तो जैसे आप वॉशरूम के अंदर आते हो, आपको कुछ इस तरह से इंटीरियर मिलता है इसका। यहाँ पे मिलता है एग्जॉस्टर, यहाँ पे मिलता है पावर फ्लश बटन, ठीक है, और यहाँ पे मिलता है वाटर टैप, देखिए जो कि चल रहा है। यहाँ पे आ गया सोप डिस्पेंसर, देखिए अपने आप निकल गया है, ये सेंसर वाला है। इसके नीचे जैसे आप हाथ करोगे ना तो ये चल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हैंड ड्रायर, देखिए ये आ गया हमारा हैंड ड्रायर, और ये आ गया हमारा हैंगर। वॉशरूम काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन है, एंड ऑब्वियसली भाई नीट एंड क्लीन ही होगा क्योंकि आज इसका फर्स्ट रन है, इसलिए इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन है। तो रेटिंग इसमें 10 में से 10 क्योंकि भाई फर्स्ट दिन है, ठीक है। जो क्लास है ये अपनी एग्जीक्यूटिव क्लास, इसका फेयर वगैरह आपको एंड में बता दिया जाएगा। इसमें और चेयर कार में एक ही फर्क है, क्योंकि इसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट 2x2 का मिलता है, एंड इंटीरियर इसका काफी ज्यादा वाइड है, ठीक है। लेग स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है, एंड दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसकी जो सीट्स है वो 180 डिग्री रोटेटेबल है, मतलब रोटेट कर सकते हो इसकी सीट्स को। चार्जिंग भाई ये देखो भैया का इतना फास्ट चार्जर हुआ ना, घर पे भी इतना नहीं होता है ना, 5 मिनट में फुल। भाई देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे चढ़े हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। क्या नाम है भैया आपका? साहिब। साहिबा जी अपने किदा ना लग रहा काव्य चड्डा ब्लॉग्स है इनके चैनल का नाम। तो भाई बहन को सपोर्ट करें, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे बच्चे देखो सही लग रहे हैं ना भाई, ये वीडियो देखता है अपना। कैसी लगती है वीडियो? कौन सी वीडियो देखी थी आपने? मैंने आपकी लास्ट टाइम जब कन्याकुमारी गए थे। हाँ, तो भाई ने कन्याकुमारी वाली वीडियो देखी है। अगला वासे बहुत सुंदर है, वासे डे टाइम दी गड्डी आ, डे टाइम पे दिल्ली चली जानी, डे टाइम तो दिल्ली तो और ये उनको दोस्त आ गए चल दिए ने मॉर्निंग के मॉर्निंग के लिए शुरू कर दिया। दोनों तो भी अच्छी ट्रेन है, बने पा और सिटी एयर गुरु वाले। तो देखिए अमृतसर से लगभग 135 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस वंदे भारत ने कवर कर लिया, और पहुंच चुके अपने सेकंड लास्ट ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना लुधियाना। एंड लुधियाना आपको पता ही है भाई किस लिए जाना जाता है, इसको मैनचेस्टर ऑफ दी नॉर्थ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। चलो भाई देखिए स्कूली बच्चे भी उतर गए यहाँ पे, देखिए जितने भी। कैसा लगा सफ़र? स्कूली बच्चों को बहुत अच्छा लगा सफर करके। भाई, भाई, भाई एक और जर्नी में मिलेंगे भाई। तो भाई देखिए हॉन्क हो चुका अपनी ट्रेन का लुधियाना से, और हमने इस ट्रेन को यहीं पे डिवोट कर दिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पंजाब की वंदे भारत थी, तो पंजाब का ये लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद ये हरियाणा में जाएगी अम्बाला में। तो अम्बाला हमने बहुत बार कवर कर लिया है, तो हमारा मकसद पंजाब की पहली वंदे भारत कवर करना था। बाकी अभी यहाँ से लेके चलिए
जी दोस्तों चली गई हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे आपको एक और नए खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई शेयर वगैरह कर दे ठीक है वीडियो को।